हेलो दोस्तों, तो याद है ना आपको, आज से करीब 12-13 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कुछ ऐसी सब्जियां बताई थी मॉनसून की, जिनकी हार्वेस्टिंग हमें 15 से 20 दिन के अंदर मिलने लगती है, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर हम उनकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग लेने लगते हैं और बाद में भी हम उसे कई बार हार्वेस्ट करते हैं। तो आ गया है समय अब कुछ हार्वेस्ट करने का। तो फ्रेंड्स, आज 12-13 दिन हो गए हैं तो मैंने सोचा कि आपको एक अपडेट भी दिखा देते हैं कि क्या क्या ग्रो हो चुका है और कैसा ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, पालक है। पालक बहुत टाइम से मेरे गार्डन में लगी हुई है, अलग अलग पॉट में मैं बार बार बीज डालती रहती हूँ और बहुत अच्छे से ग्रो होती है। 15 से 20 दिन के अंदर आप आराम से उसकी हार्वेस्ट ले पाते हो। तो यहाँ पे बस मैं आपको एक ककड़ी दिखाना चाहती हूँ जो कि पहले से बेल लगी हुई है और इसमें अब काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। 5-6 ककड़ियाँ हम इसमें से हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो पालक के बाद जो दूसरा है वो है लेट्यूस। आप लेट्यूस भी देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। जितने बीज डाले गए हैं सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। बस 3-4 दिन में इसकी जो ग्रोथ है वो और भी डबल हो जाएगी। जल्दी जल्दी ग्रो होती है एक बार ये जर्मिनेट होने के बाद, तो हम इसकी हार्वेस्ट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सलाद के पत्ते हैं जिसको हम टेंडर जब हार्वेस्ट करते हैं तो अच्छे लगते हैं ये। और यहाँ पे है हमारा लाल साग। इसको अभी ग्रो होने में 6-7 दिन लग जाएगा, मतलब जर्मिनेशन तो हो गया है, 5-6 इंच के हो भी गए हैं प्लांट, लेकिन अब ये जो है इसकी जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ेगी तब हम इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे अनियन थे और अनियन हमारे अभी तक अच्छे से ग्रो नहीं हुए, सिर्फ 2-3 अनियन हैं जो स्प्राउट हो पाए हैं। लेकिन जो चने हैं उसका साग काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है। 5-6 मतलब 3-4 पॉट में मैंने चने लगाए थे और अब ये थोड़ा 6-7 इंच तक का ऊपर हो गया है। जब हम ऊपर से पिंच करते हैं चने को तो ये बुशी होता है, नीचे से जो इसकी दूसरे जो ग्रोथ आएगी वो बुशी आएगी, तो नेक्स्ट जो हार्वेस्ट है वो और भी अच्छी मिलेगी। तो फर्स्ट हम इसको आज इस तरह से पिंच करके और थोड़ा हार्वेस्ट कर लेंगे। तो 2-3 जगह पे मैंने लगाया था, सब जगह से मैं थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये जो चने का साग है ये हम पालक के साथ मिक्स करके इसकी जो है इमली डाल के सब्जी बनाते हैं। तो नेक्स्ट है ग्रीन गार्लिक। तो ग्रीन गार्लिक भी आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी से ग्रो हो गई है और इसकी फर्स्ट हार्वेस्ट हम ले चुके हैं। इसकी पत्तियाँ भी पतली पतली ग्रो हुई थी, लेकिन आज मॉर्निंग में मुझे पराठे बनाने थे सो मैंने इसकी फर्स्ट हार्वेस्ट ले ली है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने नहीं लगाई है ग्रीन गार्लिक या बाकी जो मैंने अभी वेजिटेबल्स बताई, तो आप अभी भी ग्रो कर सकते हो और अभी भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कैसे ग्रो करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो अपलोड है चैनल पे जिसमें मैंने बताया है डिटेल में, आप उसको वॉच करके और लगा सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगला अपडेट है अरबी का। तो अरबी मैंने बताई थी लेकिन मैंने लगाई 5-6 दिन बाद थी, तो देखिए अब ये स्प्राउट होने भी लगी है। इसको कुछ ही दिन हुए हैं तो इसमें से स्प्राउट निकलने लगे हैं और बहुत ही जल्दी इसके पत्ते रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था अपडेट कुछ सब्जियों का जो हमने लगाई थी। आपने देखा कि जर्मिनेशन सब में स्टार्ट हो गया है और हमें हार्वेस्ट भी मिलना स्टार्ट हो गई है। तो आप भी ज़रूर लगाइए और बहुत अच्छा लगता है जब हम घर पे उगाई हुई फ्रेश सब्जियों को खाते हैं। तो जब मैं पालक हार्वेस्ट कर रही थी तो नमन भी साथ में आ गया और बच्चों को बहुत मज़ा आता है हार्वेस्ट करने में। मैं कुछ भी हार्वेस्ट करके जाती हूँ तो नमन बहुत गुस्सा करता है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया था। तो दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है लाइक करने में लेकिन हमारा जो है दिन बन जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी वीडियो को भी सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर पाएँ। और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।